एकमात्र कविता और हिल गया पूरा बिहार, कविता ऐसी कि लोग मारने मरने को तैयार, कविता ऐसी कि बिहार की सियासत का पारा पहुंच गया आसमान में, वह कविता जिसे राजपूतों ने समझा अपना आन बान और सम्मान, बिहार में ब्राह्मण और राजपूत आमने सामने मारने मरने को तैयार। तो क्या है पूरा घटनाक्रम, चलिए इसे समझते हैं। हाल ही के दिनों में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं नाम की कविता पढ़ी, जिसके बाद से बिहार में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि महान लेखक और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का भी एक कहानी का शीर्षक था ठाकुर का कुआं। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी की चर्चा नहीं, यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर की कुआं का चर्चा है। राजद नेता मनोज झा ने ठाकुर का कुआं नाम की कविता पढ़, जिसके बाद बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मामला इतना गर्म हो गया है कि भाजपा के ठाकुर विधायक ने मनोज झा के मुंह तोड़ने की बात कह दी, जबकि पूर्व सांसद ने मनोज झा की जुबान खींचने की बात कर दी। आखिरकार कविता क्या है जिस पर इतना विवाद हुआ है? साथियों, कविता इस प्रकार है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का हल की मुठ पर हथेली, अपनी फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश, यही कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, जिस पर इतना बिहार में तूफान पैदा हो गया है। बिहार में विपक्षी पार्टी खासतौर पर भाजपा ने इसको लेकर राजद की आलोचना की है। राजद के भीतर ही इसको लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं और सहयोगी पार्टी जदयू ने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज की है। हालांकि राजद ने इस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। गुरुवार की शाम पटना में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे राजद सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पूरे विवाद पर मनोज झा का पक्ष लेते हुए कहा कि वह विद्वान आदमी है और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राजद से माफी मांगने को कहा। भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा, राजद सांसद मनोज झा ने जिस तरह के नाम लेकर ठाकुर जाति का अपमान किया, उसके लिए पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को क्षमा मांगनी चाहिए। राजद नेता के बयान पर यह भी साफ हो गया कि ए टू जेड का दावा उनका झूठा है। मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए जो कविता पढ़ी है वह ठाकुर जाति के लोगों के प्रति दुराग्रह और अपमान से भरी है, यह कहना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का। वहीं भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप ने मनोज झा को लेकर कहा कि एक सेकंड नहीं लगेगा और ठाकुर उनकी गर्दन उतारकर उनके हाथ में रख देंगे। राजद के सहयोगी पार्टी जदयू के नेता संजय सिंह ने कहा कि राजपूत आग की तरह है, अतः इसे किसी को भी भड़काने की कोशिश नहीं करना चाहिए। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में जातिगत ध्रुवीकरण के लिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया को राजपूत वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है। तो वहीं राजद के बचाव के पीछे पिछले तबके के वोट को सुरक्षित करने का हथकंडा बताया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद बेवजह है और इसे किसी भी पार्टी को वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में 30 से 35 ऐसी विधानसभा सीटें जहां राजपूत वोट निर्णायक होते, यही वजह है कि राजपूत के मुद्दे पर सभी पार्टियां बचाव की मुद्रा में रहते हैं। ठाकुर वाले इस पूरे विवाद की शुरुआत राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की भड़काऊ प्रतिक्रिया के साथ हुई और धीरे धीरे दूसरी पार्टियों ने इसमें कूद गई। आनंद मोहन सिंह एक दलित आईएएस अफसर की हत्या में दोषी और बिहार सरकार के आदेश पर फिलहाल जेल से बाहर है। उन्होंने मनोज झा की तीखी आलोचना करते हुए कहा, अगर वह सदन में होते तो मनोज झा की जुबान खींचकर सदन की कुर्सी की तरफ उछाल देते। आनंद मोहन के प्रतिक्रिया पर अपनी राजनीतिक चमकाने के तौर पर देखा जा रहा है। अब जानते हैं ठाकुर के कुआं कविता का इतिहास। यह कविता 1881 में लिखी गई थी, लेकिन जब 1889 में ओम प्रकाश वाल्मीकि का पहला कविता संग्रह सदियों का संताप जारी हुआ, तब यह सबके सामने प्रसिद्ध हुआ। ठाकुर का कुआं कविता के लेखक दलित साहित्य का लेखन करने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 3 जून 1950 को यूपी के मुजफ्फरनगर के दलित किसान परिवार में हुआ। उनके शुरुआती जीवन आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों के बीच बीता। उनका सामना बचपन में छुआछूत और असमानतावाद से हुआ। ज्यादा से ज्यादा दलित साहित्य के सामने आने के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि दलित ही दलित के उत्पीड़न को सही तरीके से लिख सकता है। अपने जीवन काल में उन्होंने 5 किताबें लिखी, जिनमें कविता संग्रह, कहानी संग्रह और आत्मकथा जूठन शामिल है। जूठन उनकी सर्वलोक कृति है, जिनकी कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी आत्मकथा का नाम जूठन है। उन्होंने पढ़ाई में एमए किया, इसके बाद महाराष्ट्र में रहे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने भी लेखन कार्य शुरू किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की मृत्यु 63 वर्ष की उम्र 17 नवंबर 2023 को देहरादून में कैंसर की वजह से हो गई। साथियों, यह रही ठाकुर की कविता से जुड़ा विवाद, जिसको हमने एक एक करके आपको समझाया, इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया को भी समझाया। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।